जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फौजी सफर पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे एक खास मुद्दे पर। जी हाँ साथियों, खास मुद्दा ये है कि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट वगैरह मैंने पढ़ा, तो उसमें वो ज़्यादातर मतलब ये लिखते हैं कि असम राइफल ज्वाइनिंग के समय सामान क्या क्या लेकर जाना है, या उसमें ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है, या फिर ट्रेनिंग में कोई एग्ज़ाम वगैरह देना हो तो छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो ये सारा डाउट मैं आपका आज क्लियर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, और वीडियो बस छोटा ही बनाऊँगा, इतना लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो साथियों, आज अपन बात करते हैं कि ज्वाइनिंग के समय सामान क्या क्या लेकर जाना है। तो साथियों देखो कि ज्वाइनिंग के समय सामान लेके जाने के लिए मेन तो आपके होते हैं डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ साथियों, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, जो जो आपके ज्वाइनिंग लेटर के अंदर लिख रखा है वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। जो डॉक्यूमेंट्स है, फ़ोटो है वगैरह, वो तो आपको लेके जाना ही है। और दूसरी चीज़ है कि अपने खुद के लिए या फिर पर्सनल सामान क्या क्या लेकर जाना है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि पर्सनल सामान में और कुछ नहीं, आपको जैसे कि कोई भी बंदे गलती करते चार चार पाँच पाँच ड्रेस सिविल की लेके जाते हैं, लेकिन वो आपको वहाँ काम नहीं आएगी। एक पहन के जाओ, हो सके तो एक आध लेके जाओ या लोअर टी शर्ट लेके जाओ, पूरी ट्रेनिंग में वो काम नहीं आएंगे। ठीक है, कभी कभार वो मंदिर परेड वगैरह होता है तो उसमें आपको यूज हो सकता है। उसके बाद में सुई धागा हुआ, आपके खाने पीने की डाइट आप लेकर जाना साथ में, ओढ़ने के लिए एक लेके जाना, वैसे उधर जाके आपको पूरा किट मिल जाएगा, ओढ़ने के लिए लेके जाना, बिछाने के लिए बेड शीट वगैरह वो लेके जाना, वो हो गया। और अपने पास में ज़्यादातर हो तो कैश में वगैरह रखना नहीं है, उसमें कैश रखोगे तो फिर हर चीज़ में प्रॉब्लम आती हो सके। तो एटीएम वगैरह होगा ना, तो एटीएम रखिए। तो एटीएम मतलब ये है, एटीएम से आपका काम बच जाएगा। वो कैश वगैरह रखोगे तो कैश कहीं ना कहीं चोरी भी हो सकता है, घूमेगा वो है तो हाँ, वो मतलब हो सके एटीएम रखो तो ठीक रहेगा, मतलब कैश वगैरह थोड़ा रिस्क है, इसलिए कैश रखना नहीं है, एटीएम ही रखो। और दूसरी चीज़, खाने पीने की डाइट्स वगैरह अपने खुद के पैसों के लेके जाओ, क्योंकि ट्रेनिंग रहेगी तो डाइट भी दबा के खाना है, डाइट में कोई कंजूसाई नहीं करना है। बाकी साबुन है, सर्फ है, ब्रश है, अपने शेविंग का किट ज़रूर लेके जाए, शेविंग ब्रश या फिर शेविंग ब्लेड, रेजर, क्रीम, वो आपको काम आने वाला है। और एक और वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, वो पूरा डिटेल से बनाया, जब मेरी ज्वाइनिंग थी उस टाइम का बनाया हुआ है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो बोलते हैं ना फालतू कंगन, काश ने काश लेके जा सकते हैं, लेकिन कंगे वगैरह की ज़रूरत नहीं, उधर जाके वैसे भी पूरे मुंडन कर लेते हैं, टकले कर देते हैं, तो वो काम आएगा नहीं। और वही बस तेल, शैम्पू वैम्पू, अपन खुद का जहाँ कहीं पर भी अपन घूमने जाते हैं तो जो सामान लेकर जाते हैं ना, वही सामान लेके जाना, और कुछ नहीं। और दूसरी बात, एक ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है क्या या कितनी मिलती है? जी हाँ साथियों, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होगा उसी दिन से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी, और वो सैलरी आपको जैसे कि ट्रेनिंग में मिलेगी समथिंग 35,000 के अप्रॉक्स, 21,700 बेसिक पे है अगर, तो आपको 35,000 के समथिंग मिलेगी। अगर आप डायरेक्ट हवलदार के रैंक में जैसे क्लर्क वाले हुए, ORL, तो उनको 39,000 के आसपास मिलेगी, 39-40। और अगर आप RM रेडियो मैकेनिक जो वारंट ऑफिसर के पद पे, उनको है तो आपको 43-44,000 रुपये मिलेगी, सबका अलग अलग ग्रेड पे, JCO की भर्ती है डायरेक्ट, तो उसमें और ज़्यादा मिलेगा बेसिक पे के हिसाब से। तो सैलरी आपको मिल जाएगी ट्रेनिंग में, वैसे खर्चा खुद के ऊपर करते वो होता है, बाकी इतना खर्चा वगैरह नहीं होता है। और मेन बात आती है छुट्टी की, तो साथियों छुट्टी मतलब ये है कि ट्रेनिंग में एक्चुअली कोई छुट्टी वगैरह नहीं देते, लेकिन आपका अगर मेन पर्पज है, मेन कुछ कारण है तो दे सकते हैं। अगर एग्ज़ाम भी कोई बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, जैसे कि कोई UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करके आया है, हो सकता है वो असम राइफल में आ गया, या फिर कोई इंटरव्यू है, स्टेट पुलिस, SI वगैरह, तो आपको दे सकते हैं। अगर आप उसी रैंक या उसके नीचे वाली रैंक में करोगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा छुट्टी वगैरह, हो सकता मतलब वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर पर डिपेंड करे, दे सकते नहीं दे सकते। तो बस ये छोटा सा वीडियो बनाया था आपके लिए, और कुछ हो तो कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।